अरे फ्रिंकल भैया, आप हमें आज फिर से यहाँ पे क्यों लेके आ गए हो? सिंचन, मैं तुम सब लोग को यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आज हम फिर से करने वाले हैं और धमाकेदार चैलेंज। सिंचन, आज अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें कोई प्राइज या कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारी जान बच जाएगी। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, आज तुम लोग खुद की जान के लिए ये चैलेंज करने वाले हो। अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। तो देखो, ये रहा वो रैम चैलेंज। तुम सबको एक बाइक लेनी है और बाइक स्टार्ट करके यहाँ से चलना है और फिर ये विंड मिल क्रॉस करना है और उसके बाद आगे आके जितने भी लेवल आ रहे हैं उसको कंप्लीट करना है और फिर आखिर में ये टायर दिख रहा है यहाँ पे आ रहा है और इसके अंदर से जंप लगाने के बाद तुम्हें यहाँ नीचे लैंड करना है और वो भी बाइक के साथ। अगर तुम बाइक से गिर जाते हो तो तुम आउट हो जाओगे। और जो ये फुटबॉल दिख रही है तुम्हें इसे गोल करना है, लेकिन संभल कर, अगर तुमने थोड़ी भी चीटिंग की तो ये किंग कॉन्ग दिख रहे हैं, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। देखो, तीन सर वाले किंग कॉन्ग है और बहुत ही खतरनाक है, इसलिए संभल के ये चैलेंज कंप्लीट करना। तुम सब में से जो भी ये चैलेंज जीतेगा वो बच जाएगा, लेकिन जो चैलेंज हार जाएगा उसको ये शार्क हल्क गोली मार देगा। ये देखो, इसके पास बहुत ही बड़ी बंदूक है, इससे ये हारने वाले को गोली मार देगा और उसकी जान ले लेगा, इसलिए संभल कर तुम्हें ये चैलेंज कंप्लीट करना होगा। तो चलो फटाफट से चैलेंज स्टार्ट करते हैं। अरे वाह, ये चैलेंज तो बहुत ही आसान है, मैं तो ऐसे ही जीत जाऊंगा। चलो ये बाइक लेके मैं जाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले नंबर पे स्पाइडरमैन है और ये स्पाइडरमैन बहुत ही कॉन्फिडेंस में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये चैलेंज कंप्लीट कर ही लेगा। और ये लगा इसने छलांग, अरे ये क्या, ये तो विंडमिल से टकरा गया। स्पाइडरमैन संभल कर, अगर तुम बाइक से गिर गए तो तुम चैलेंज से बाहर हो जाओगे। अरे ये क्या, स्पाइडरमैन तो बार बार टकरा रहा है, क्या लगता है दोस्तों, क्या स्पाइडरमैन ये गेम चैलेंज कंप्लीट कर पाएगा? ये लगा इसने छलांग, अरे बच गया, क्या ही लक है। ऐसा लगा था स्पाइडरमैन नीचे गिरी जाएगा, लेकिन स्पाइडरमैन बच गया और ये आखिरी तक स्पाइडरमैन पहुंच चुका है। ये टायर से जंप लगाने वाला है और इसने लगा ली टायर से भी जंप, और क्या लगता है ये गिरेगा? ये बच गया, वाह क्या ही लक है स्पाइडरमैन का। अरे ये क्या फ्रिंकल भैया, स्पाइडरमैन तो आखिरी तक पहुंच गया, ऐसा लग रहा है कि ये चैलेंज कंप्लीट कर ही लेगा। अरे पर ये उतर क्यों नहीं रहा है? अरे स्पाइडरमैन तुम उतर क्यों नहीं रहे हो? फटाफट उतरो वरना किंग कॉन्ग तुम्हें मारेगा। अरे वाह, चलो स्पाइडरमैन उतर तो गया, अरे अब ये गोल करेगा, चलो फटाफट गोल कर दो, ये चैलेंज जीत जाओ। अरे फ्रिंकल भैया, इसने तो गोल कर दिया। अरे वाह, ये देखो दोस्तों, स्पाइडरमैन ने तो ये गेम चैलेंज जीत ही लिया, जैसा ये कह रहा था कि ये कंप्लीट करके रहेगा और इसने कंप्लीट कर लिया है। हमें हमारा पहला विनर मिल चुका है। वाह स्पाइडरमैन, तुमने तो ये गेम चैलेंज बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब तुम्हारी जान बच चुकी है। तो दोस्तों, स्पाइडरमैन के जीतने के बाद अब जा रहे हैं वेनम। तो क्या लगता है, वेनम भी ये गेम चैलेंज जीत पाएंगे? ये भी बहुत ही कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं और ये देखो, इन्होंने तो फोर व्हीलर ले रही है और ये चलने के लिए तैयार है। ये देखो, ये निकल पड़े हैं, अब देखना होगा क्या वेनम ये चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे। अरे ये गेम चैलेंज में ऐसे ही कंप्लीट कर दूंगा। अरे ये क्या, ये गाड़ी तो इधर उधर जा रही है, चलो। अरे वाह, मैं तो आखिर तक पहुंच भी गया। अरे ये क्या हो गया, मैं तो इधर अटक चुका हूँ, फटाफट यहाँ से निकलना होगा। अरे ये क्या हो गया, वेनम तो बीच में अटक गया है। अरे चलो निकला तो सही, अरे पर वेनम ये तुम क्या कर रही हो, तुम तो वापस इसी तरफ आ रही हो। अरे तुम रॉन्ग साइड आ रही हो, पीछे जाना है तुम्हें, तुम कहाँ आ रही हो? हाँ चलो इसी पता तो चला, वरना ये वापस इधर ही आ जाता। अरे वो तो मुझसे गलती हो गई थी, अब देखना मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ ये चैलेंज। अरे ये क्या, मैं तो बार बार गिर रहा हूँ। अरे अरे ये क्या हो गया, ये विंडमिल तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, इस तरह तो ये मेरी गाड़ी को ही तोड़ देगा। चलो बाहर जाने का रास्ता ढूंढता हूँ, हाँ इधर से। अरे ये क्या, इधर तो पूरा रास्ता ही बंद है, मुझे इस तरफ से जाना होगा। अरे ये क्या हो रहा है, ये विंडमिल तो मेरी वाट लगा रहा है। अरे ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी तो इसके अंदर फंस चुकी है, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? अरे दोस्तों ये देखो, ये क्या हो चुका है, वेनम की गाड़ी तो बीचों बीच अटक चुकी है और वेनम कितना भी ट्राई कर रहा है लेकिन गाड़ी बाहर ही नहीं आ रही है। लगता है वेनम ये गेम चैलेंज जरूर आ जाएगा, क्योंकि अगर इसके पास गाड़ी नहीं होगी तो ये गेम चैलेंज कंप्लीट कैसे करेगा। और आप लोग देख सकते हो, गाड़ी तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। वेनम अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम ये गेम चैलेंज हार चुके हो। और ये देखो, वेनम खुद ही हार चुका है और ये बहुत ही गुस्से में खुद की गाड़ी को मार रहा है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये गेम चैलेंज नहीं हार सकता।
सकता। अरे ये क्या, ये देखो दोस्तों, रूल के मुताबिक शार्क हल्क अब वेनम को मारेगा और ये देखो इसने इसे खत्म भी कर दिया। तो ये देखो गाइस, अब हमारे आ चुके हैं डायमंड हेड। वेनम तो हो चुका है इस गेम से बाहर। अब क्या लगता है डायमंड हेड ये गेम चैलेंज कंप्लीट कर पाएगा? अरे ये क्या, एक बाइक से दो बाइक हो गई। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और ये देखो डायमंड हेड भी वही गाड़ी लेने जा रहा है जो वेनम ने ली थी। अब क्या लगता है क्या डायमंड हेड ये गेम चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। और ये डायमंड हेड निकल चुके हैं। अरे फ्रिंकल भैया, मुझे तो लगता है कि डायमंड हेड भी ये गेम चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अरे ये क्या, ये देखो ये तो नीचे गिर गया। अरे ये क्या, डायमंड हेड तो फंस चुका है फ्रिंकल भैया। अरे डायमंड हेड फटाफट वहां से निकलो वरना शार्क हल्क तुम्हें भी जान से मार देगा। अरे ये क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी इसके अंदर से निकल क्यों नहीं रही है? ऐसे तो मैं ये गेम चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। कैसे भी करके मुझे यहाँ से ये गाड़ी निकालनी होगी, पर मैं कैसे निकालूं, मैं तो बुरी तरह से यहाँ फंस चुका हूँ। अरे दोस्तों ये देखो, जैसा वेनम के साथ हुआ था वैसा ही डायमंड हेड के साथ हो रहा है। डायमंड हेड भी अपनी गाड़ी के साथ फंस चुका है। और ये क्या, डायमंड हेड ने हार मान ली और ये अपनी गाड़ी पे गुस्सा निकालते हुए, और ये डायमंड हेड बाहर आ चुके हैं। अब शार्क हल्क इसे भी नहीं छोड़ेगा। अरे नहीं शार्क हल्क, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तो ये देखो दोस्तों, डायमंड हेड भी इस गेम से बाहर हो चुका है। तो दोस्तों डायमंड हेड के बाद अब ये गेम चैलेंज कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारे हल्क, जिनसे सब बहुत डरते हैं क्योंकि ये बहुत ही गुस्सा करते हैं और गुस्से में आने के बाद सबको बहुत मारते हैं। ये ले ली हल्क ले बाइक, पर ये क्या, हल्क पे बाइक तो एकदम बच्चे जैसे लग रही है। अब क्या लगता है क्या हल्क ये गेम चैलेंज कंप्लीट कर पाएगा? और ये क्या, ये तो हवा में उड़ गया। अरे चलो कम से कम बच गया, मुझे तो लगा था ये बाइक से नीचे ही गिर जाएगा। हल्क ये गेम चैलेंज कंप्लीट करके रहेगा, हल्क हार नहीं मानेगा, और हल्क को अगर किसी ने मारने की जरूरत की तो हल्क उसे छोड़ेगा नहीं, चकनाचूर कर देगा। चलो मैं चलता हूँ और ये गेम चैलेंज फटाफट पूरा कर देता हूँ। अरे ये क्या हो गया, बच गया, मुझे लगा था कि मैं गिर ही जाऊंगा। हाँ चलो अब यहाँ से छलांग लगाता हूँ। अरे ये क्या बीच में आ गया, एक काम करता हूँ दूसरी साइड से चलता हूँ। चलो इधर से, अरे ये क्या, इधर तो जगह ही नहीं है, मैं कहाँ से जाऊँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे ये क्या, हल्क भैया तो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। और ये क्या फ्रिंकल भैया, ये देखो हल्क भैया तो बीच में फंस गई है जैसा वेनम फंसा था। अरे हल्क भैया फटाफट वहां से निकलो। अरे चलो निकल तो गई, पर ये इधर से जाएंगे कैसे, बार बार टकरा रही है। हल्क भैया फटाफट निकलो। अरे वाह चलो हल्क भैया निकल चुके हैं। अरे ये क्या, अरे वाह टायर के ऊपर से निकलने वाले हैं। और ये क्या, अरे वाह ये देखो फ्रिंकल भैया ये तो पहुंच गए, पर ये क्या, ये तो नीचे गिर गए। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या, मैं तो नीचे गिर रहा हूं, मुझे फटाफट पैराशूट खोलना होगा। हाश चलो मैंने पैराशूट खोल लिया, अब मेरी जान बच जाएगी। अरे दोस्तों ये क्या हो गया, हमें तो लगा था कि हल्क ये गेम जीतने ही वाला है, लेकिन हल्क तो आखिरी मौके पे ही नीचे गिर गया। और अब देखते हैं ये हल्क कहां जाके रुकता है। अरे ये क्या, ये तो बिल्डिंग से टकरा गया। अरे हल्क संभल के, अरे हाँ चलो कम से कम हल्क बच तो गया, लेकिन शार्क हल्क से छोड़ेगा नहीं। हाँ ये क्या, ये तो शार्क हल्क है, अरे नहीं। तो दोस्तों हल्क भी इस गेम से बाहर हो चुका है और शार्क हल्क ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा। और अगली बारी है हमारी ऑगी की। क्या लगता है ऑगी ये गेम चैलेंज कंप्लीट कर पाएगा? ए फ्रैंकलिन, मैं ये गेम चैलेंज कंप्लीट कर लूंगा और मैं ये गेम चैलेंज जीतूंगा। अरे पर ये क्या हो रहा है, मैं तो हमेशा की तरह ऊपर क्यों जा रहा हूं, पिछली बार भी मैं ऊपर चला गया था। अरे मुझे कोई बचाओ शिनचैन, मुझे बचाओ, मैं तो नीचे गिर रहा हूं। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या हो गया, ऑगी तो स्टार्टिंग में नीचे गिर गया। अरे ये क्या, बेचारे ओगी की तो बाइक ही जल गई। अरे ओगी तुम्हें लगा तो नहीं? अरे नहीं मैं तो ठीक हूँ, पर ये शार्क हल्क कभी भी आता होगा मुझे मार देगा, मुझे फटाफट यहाँ से निकलना होगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ ताकि शार्क हल्क मुझे पकड़ ना पाए। अरे ये क्या, ये तो शार्क हल्क है, अरे मुझे मत मारो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ओगी भी इस गेम से बाहर हो चुका है और अगली बारी है हमारे शिनचैन की, हमारे प्यारे शिनचैन की। तो आपको क्या लगता है हमारा शिनचैन ये गेम चैलेंज कंप्लीट कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताना। ये शिनचैन ने ले लिया बाइक और इसने लगा ली छलांग, बच गया, वरना ये विंडमिल से टकरा जाता। शिनचैन संभल के करना, कहीं तू भी नीचे ना गिर जाए। अरे फ्रिंकल भैया आप टेंशन मत लो, मैं ये चैलेंज आसानी से पार कर दूंगा। अरे ये क्या, बचा बचा, अरे हां चलो मैं बच गया, मुझे तो लगा था कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। और ये आ गया है टायर, और ये लगाई मैंने टायर के अंदर से छलांग, और
ये हाश, चलो मैं बच गया, मुझे लगा था कि कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं। ये देखो फ्रिंकल भैया, मैं भी फुटबॉल के पास पहुंच गया। फुटबॉल के पास मैं आखिरकार आ ही गया। अब चलो फटाफट से गोल करता हूँ और ये गेंद चैलेंज जीत जाता हूँ। और ये मैंने मारी लात, अरे ये क्या, मेरी लात तो बहुत ही छोटी पड़ रही है। अरे ये क्या, चले गई फुटबॉल तो गई। ये देखो फ्रेंकिल भैया, आखिरकार मैंने ये गेम चैलेंज जीत ही लिया। मुझे पता ही था मैं ये गेम चैलेंज जीत ही जाऊंगा। किंग कॉन्ग, तुम देख रहे हो ना, सिंचे ने आखिरकार ये गेम चैलेंज कंप्लीट कर ही लिया। अरे दोस्तों, आप लोग सुन रहे हो ना मेरे जीतने की खुशी में कैसे फटाके फूट रहे हैं। अरे वाह, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। दोस्तों अगली बारी है हमारे ह्यूमंगस शो की। आप ह्यूमंगस शो को भी जानते ही होंगे, वो कितना ताकतवर है। मुझे तो लगता है ह्यूमंगस शो ये चैलेंज आसानी से कंप्लीट कर देगा। अभी तक खाली सिंचन और स्पाइडरमैन ये गेम चैलेंज पूरा कंप्लीट कर पाए हैं। देखते हैं क्या ह्यूमंगस शो उनकी लाइन में जुड़ेगा, क्या ये चैलेंज कंप्लीट कर पाएगा। अरे ये क्या, ह्यूमंगस शो तो स्टार्टिंग में ही नीचे गिर गया। अरे ह्यूमंगस शो, तुम क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया, मेरी चक्कर से गिर गया। अरे ये क्या हो गया, अरे बाप रे, विंडमिल ने तो मेरी बाइक को ही चकनाचूर कर दिया और मुझे नीचे गिरा दिया। ये कैसे हो गया, नहीं ये तो चटेंगे, मैं वापस से जाऊंगा, मैं वापस से बाइक लूंगा और ये चैलेंज स्टार्टिंग से शुरू करूंगा। अरे दोस्तों ये देखो ह्यूमंगस शो क्या कह रहा है कि वो वापस से चैलेंज स्टार्ट करेगा। ह्यूमंगस शो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इस चैलेंज से बाहर हो चुके हो क्योंकि तुम अपने बाइक से उतर चुके हो, इसलिए तुम्हें अब शार्क हल्क छोड़ेगा नहीं। ह्यूमंगस शो को कोई नहीं मार सकता, शार्क हल्क ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। तो दोस्तों आप लोग ने जैसे देखा, ह्यूमंगस शो भी इस गेम से बाहर हो चुका है और अब आखिरी जो बची है उसका नाम है स्क्विड गेम की डॉल। इसका तो नाम ही नहीं पता, इसलिए सब इसको स्क्विड गेम की डॉल ही बोलते हैं। और ये देखो, ये बाइक के ऊपर बैठी है पर इतनी छोटी लग रही है बाइक और ये इतनी बड़ी लग रही है, क्या ही बोलो। ये निकल पड़ी है, क्या लगता है ये गेम चैलेंज पूरा कर पाएगी? अरे ये क्या, ये क्या हो गया, ये तो इस गेम चैलेंज से बाहर ही हो गई। ये कहाँ गिर रही है? और अरे ये क्या, ये बाइक से गिर गई, इसका मतलब ये बाहर हो चुकी है और अब इसे शार्क हल्क छोड़ेगा नहीं। इससे पहले कि मुझे शार्क हल्क मारे, मैं खुद ही यहाँ से गिर के चली जाती हूँ। चलो फटाफट बाइक उठाती हूँ और यहाँ से चलती हूँ, फिर देखती हूँ कि शार्क हल्क मुझे कैसे मारेगा। ये क्या फ्रिंकल भैया, स्क्विड गेम की डॉल तो खुद ही नीचे गिर गई। बाप रे बाप, दोस्तों आप लोग ने देखा ना, स्क्विड गेम की डॉल तो खुद ही नीचे गिर गई ताकि शार्क हल्क उसे मार ना सके। और गाइस हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, जितने भी लोग थे सभी ने चैलेंज किया, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही जन ये चैलेंज कंप्लीट कर पाए और इस चैलेंज को जीत पाए, जिनका नाम है स्पाइडरमैन और हमारा प्यारा सिंचैन। बाकी हर कोई ये चैलेंज हार गया था और इस चैलेंज से बाहर हो गया था। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये चैलेंज वाला वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप और भी चैलेंजेस देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।